हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ही हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज स्पीसिएशन। कैसे स्पीशीज बनती है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा कि इवोल्यूशन क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में बात की, फिर हम लोगों ने इवोल्यूशन की बात की कि इवोल्यूशन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात की, सब कुछ बहुत ही आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि स्पीशीज कैसे आई। अब हम कैसे बोलेंगे कि ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, उसका भी तो कहीं से ऑरिजिन हुआ होगा ना। सो लेट्स बिगिन। सो स्पीशिएशन की पहले डेफिनेशन समझते हैं हम कि इसकी डेफिनेशन क्या है। स्पीशिएशन की डेफिनेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, बाय विच पॉपुलेशंस इवॉल्व टू बिकम Distinct species. Okay. तो इसमें कुछ बहुत ही important terms हैं, that is evolutionary, first of all, by which population evolve to become distinct species. Okay. So let's discuss them one by one. पहली बार ये term F कुक ने इन द ईयर 1906 क्वाइन किया था। तो एफ कुक क्वाइन द टर्म स्पीशिएशन इन द ईयर 1906। ओके, तो क्या होता है स्पीशिएशन। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी कि स्मॉल चेंजेस, और वो बहुत ही ऐसे चेंजेस थे जो एक्यूमुलेट होके नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जा रहे थे, राइट। अब हम जो बात करेंगे वो लार्जर लेवल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कैसे स्पीशीज इवॉल्व हुई। लाइफ तो कैसे आया अर्थ पे, हम समझ गए। लाइफ आया, लाइफ के आने के बाद फिर अर्थ पे डिवीजन हुए, रेप्लिकेशंस हुई, कॉम्बिनेशंस हुए, मेटिंग हुई। तो वो जो स्पीशीज का फॉर्मेशन है ना, वो कैसे होता है, इसके लिए हम बहुत ही बेसिक सा अपना बीटल वाला एग्जाम्पल लेंगे जो हमने इवोल्यूशन के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कि वहां पे क्या था, वहां पे मान लीजिए ये रेड बीटल्स थे, और हमने क्या बोला था कि ये जो रेड बीटल्स है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे काले कौवे आ रहे हैं, क्रो। इनकी प्रेजेंस में क्या हो रहा था, ये क्या कर रहे थे, यहां पे बाय चांस कुछ ग्रीन बीटल्स भी इंट्रोड्यूस हो जा रहे थे। तो ग्रीन बीटल्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से मान लीजिए एक ग्रीन बीटल आ गया, ठीक है, समहाउ। तो ये जब इवोल्यूशन के थ्रू ग्रीन बीटल आया, तो ये कौवे क्या कर रहे थे, ये रेड बीटल्स को उठा उठा के खाए जा रहे थे। तो जब ये रेड बीटल्स को खा रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां की जो पॉपुलेशन थी उसमें मैक्सिमम क्या हुआ था, ग्रीन बीटल्स आ गए थे। दैट वॉज द स्टोरी जो हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग, और मैं ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन बीटल्स का नंबर क्या था, बहुत ज्यादा हो गया, यानी ये जो ग्रीन बीटल्स हैं इनका नंबर हाईली सेलेक्टेड हो गया। नेचर ने इसको सेलेक्ट किया कि ये रेड वाले को ये खा जाए और ग्रीन वाले यहाँ पे आ जाए। ओके, तो अगर स्पीशिएशन की बात करते हैं तो स्पीशिएशन में ये हो सकता है कि ये जो रेड बीटल्स हैं, ठीक है, वहां पे अगर क्रो आए ही ना, क्रो नहीं आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पीशीज नहीं बनेगी। नहीं, स्पीशिएशन का मतलब हो गया कि ऐसा फिनोमिना जिसमें, और ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस हम बोल रहे हैं, यानी कि विथ टाइम होगा, ये एकदम से इस जनरेशन में नहीं हो जाएगा, ये विथ टाइम होगा, ये 5 साल 10 साल 100 साल 1000 सालों के बाद होगा कि ये सारी चीजें जो है ये चेंज हो जाए, नई स्पीशीज ही इवॉल्व हो जाए। ओके, तो इसमें पॉपुलेशन यानी कि रेड बीटल की पॉपुलेशन जो है ये इस तरीके से इवॉल्व हुई कि ये ग्रीन पॉपुलेशन जो है ये एक अलग ही वैरायटी बना दे। यानी ऐसा हो सकता है कि विथ टाइम, अगर मान लीजिए रेड बीटल की फीमेल है, समहाउ विथ टाइम ऐसा हो कि ग्रीन जो मेल थे ना, ग्रीन मेल के साथ ये क्या हो जाए, दे कैन नॉट फर्टिलाइज, यानी इनमें मेटिंग हो ही ना सके। अगर मेटिंग नहीं होगी, नो मेटिंग,
मेटिंग को ही अगर हम यहाँ पे रोक देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का आपस में फ्यूजन नहीं हो पाएगा और उसके बाद जो स्पीशीज यानी ये जो है एक स्पीशिएशन हो गया, ये एक अलग वैरायटी बन गई, ये एक अलग वैरायटी बन गई, थे पहले ये दोनों बीटल ही, पहले एक ही पॉपुलेशन थे, इसलिए हम कहते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच पॉपुलेशन इवॉल्व्स टू बिकम अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जितनी भी बीटल्स है ना, ये क्या करें, ये इतनी ज्यादा हो जाए कि कुछ बीटल्स, अब मान लीजिए यहाँ पे माउंटेन का एरिया है तो कुछ बीटल्स जो है ना वो यहाँ नीचे वाले एरिया में, बीटल जो है यहाँ पे नीचे वाले एरिया में खाना खा रही है क्योंकि नीचे वाले एरिया में फूड डिफरेंट टाइप का है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ बीटल्स उड़ के यहाँ पहुंच जाए माउंटेन के हायर रीजन में। ठीक है, अब ये जब हायर रीजन में पहुंच गई, वहां पे जाने के बाद इनमें धीरे धीरे इवोल्यूशनरी चेंज आया और उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में पॉपुलेशन जो है ये क्या हो रही है, ये फ्यूज नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। दैट मीन्स कि इनमें जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, जियोग्राफिकल बैरियर है ना, जियोग्राफिकल बैरियर का मतलब हो गया, मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन था, इसके बीच में जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, या फिर यहाँ पे कह लीजिए कि कोई भी एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से ये बहुत दूर दूर हो गए। ठीक है, तो ये जब बहुत दूर दूर हो जाएंगे तो ये स्पीशीज वन हो जाएगी एक टाइम के बाद और ये स्पीशीज टू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके जो जर्म सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसा कि आपको एक बहुत ही सिंपलेस्ट में एग्जांपल अगर समझाऊं तो आप लोगों को ये पता है कि फिशेस जो होती है वो कहाँ फर्टिलाइज करती है, सी में या फिर फ्रेश वाटर रिवर में। मल्टीपल वैरायटी ऑफ फिशेस हैं, एक ही रिवर है, मान लीजिए मैं रिवर का एग्जांपल लेती हूँ और फ्रेश वाटर फिश की बात करते हैं, वहां पे मान लीजिए आपके पास एक ही रिवर में 10 तरह की फिशेस हैं, वो जो 10 तरह की फिशेस हैं वो हर फिश अपना अपना, क्योंकि इनका क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, आउटसाइड द बॉडी जो एग और स्पर्म है वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करता है। तो यानी एक रिवर में ये एक टाइप का मान लीजिए एग और स्पर्म है और फिर ये दूसरे टाइप का भी है और उसी रिवर में और भी टाइप के एग और स्पर्म पड़े हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये भी पड़ा हुआ है, तीन टाइप की हम बात कर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल तीन वैरायटी के एग्स पड़े हुए हैं और ये तीन वैरायटी का स्पर्म पड़ा हुआ है। बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो सिंघी है उस मछली का स्पर्म जो है वो जा करके कतला के साथ फर्टिलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो जिस वैरायटी का स्पर्म है, आप सोचिए कि एक ही नदी में इतनी तरह के एग और स्पर्म पड़े हुए हैं बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे वो स्पीशीज डिफरेंट है, दोनों की अपनी अपनी स्पीशीज है, तो स्पीशिएशन की वजह से वो स्पीशीज का डिफरेंस आया ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेट ही नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूज ही नहीं कर पाएंगे, जर्म सेल्स फ्यूज नहीं करेंगे। इन ये जो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है ना, इनके बारे में आप जैसे जैसे अपने हायर क्लासेस में बायोलॉजी को ऑप्ट करते जाएंगे आप वैसे वैसे पढ़ेंगे। जैसे ये जो टॉपिक्स हैं ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाए जाते हैं जब आप ग्रेजुएशन में जूलॉजी ऑप्ट करते हैं। तो दैट्स हाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि क्यों जियोग्राफिकल बैरियर्स जो होते हैं या जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से क्या होगा, स्पीशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जियोग्राफिकल बैरियर है जिसकी हम यहां बात कर रहे थे कि ये दोनों इतने दूर दूर चले गए कि अब ये आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे, तो एक तो ये रीजन हो सकता है स्पीशिएशन का। एक रीजन और हो सकता है, उसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहां से उड़ते हुए यहां पे भी ग्रीन थे कुछ कुछ और यहां पे भी ग्रीन थे। ठीक है, क्या होता है कि कोई एक एडवेंचरस बीटल जो है उड़ के ऊपर वाले माउंटेन से नीचे वाले एरिया में आ जाता है और वहां जाके वो दोनों फर्टिलाइज कर देते हैं या वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट सिनेरियो। पहले सिनेरियो में हमने बात की कि जियोग्राफिकल बैरियर इतना बड़ा है कि धीरे धीरे इतने इवॉल्व हो गए कि वो फ्यूज ही नहीं कर पा रहे, मीटिंग हो ही नहीं पा रही क्योंकि दोनों का ऑर्गन अलग तरीके से डेवलप हो गया है या दोनों के एग और स्पर्म जो है जर्म सेल जो है वो अलग तरीके से डेवलप हो गए। मैं दूसरा सिनेरियो ये कह रही हूं कि वहां पे ये हो सकता है कि वो भी इतने ज्यादा चेंज नहीं हुए हैं, वो अलग जगह रहते हैं, वो अलग जगह रहते हैं बट स्टिल वहां से कुछ ऐसी वैरायटी उनके पास कुछ और तरह की मॉडिफिकेशंस हो गई है, इनके कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, फिर भी इसमें से कोई एक एडवेंचरस है, उसको लगा चलो भाई बाहर घूम के आते हैं तो ये ऊपर से नीचे आ गया, वहां जाके इसने मेटिंग की और उसकी वजह से एक नई वैरायटी आ गई या नया जीन एक्यूमुलेट हो गया उनके पास, छोटा अमाउंट जीन का जो है वो एक्यूमुलेट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसिएशन में, यानी कि नेक्स्ट जो कोई अगर
टेक पार्ट करेगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट हैपन्स इन द स्मॉल पॉपुलेशन. ठीक है, बहुत ही छोटा पॉपुलेशन हो, मान लीजिए ये 10 ही बीटल्स हैं या 50 से 150 बीटल्स ही हैं, और इनमें कुछ ऐसा छोटा मोटा चेंज आ जाए, छोटी मोटी ऐसे चीज आ जाए जो इसके जीन को और मॉडिफाई कर दे, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो जनरेशन बनी, नेक्स्ट जनरेशन में हाफ इसका ये हो गया और हाफ इसका, यानी ये नया कॉम्बिनेशन बन गया, और यही कॉम्बिनेशन अगर नेचर ने सेलेक्ट कर लिया दैट विल बी कॉल्ड एट नेचुरल सेलेक्शन. ठीक है, यानी कोई भी एक ऐसा छोटा चेंज आया किसी छोटी पॉपुलेशन में. छोटी पॉपुलेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितनी छोटी पॉपुलेशन होगी उसमें आपस में ब्रीडिंग उतनी ज्यादा होगी, है ना. तो वो छोटी पॉपुलेशन में अगर कोई छोटा सा चेंज आता है और नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया, क्यों नेचर ने सेलेक्ट किया, वो पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है और नेगेटिव के लिए भी हो सकता है. वो जरूरी नहीं है कि वो कुछ अच्छी ही चीज के लिए नेचर उसको सेलेक्ट करे किसी भी कारण से. एक्चुअली दैट्स व्हाट डार्विन सजेस्टेड कि नेचुरल सिलेक्शन वर्क्स, है ना. तो यहाँ पे मान लीजिए नेचुरल सिलेक्शन ने काम किया और नेचर ने इस चीज को पॉपुलेशन, इस वाली स्पीशीज को सेलेक्ट कर लिया, तो अब जितनी भी आगे स्पीशीज हो रही है वो सारी क्या हो रही है, वो ऐसी और ऐसी हो रही हैं, ये मिक्स वाली पॉपुलेशन हो रही है. और ये जो मिक्स वाली पॉपुलेशन है ना, अब इनके साथ ये हो गया कि ये जो मिक्स वाली पॉपुलेशन है ये किसके साथ ब्रीड नहीं कर पा रही है, ब्लू वाले के साथ या फिर जो सिर्फ ग्रीन है उनके साथ. ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ये आपस में मेटिंग कर ही नहीं पा रही. तो ये जब मेटिंग नहीं कर पाएगी तो यानी ये क्या हुआ, एक नई स्पीशीज हो गई जो कि ब्लू और ग्रीन दोनों से ही अलग है. तो दैट्स हाउ थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन explains कि कैसे नेचर चीजों को सेलेक्ट करता है. और जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर होता है, यानी छोटे पॉपुलेशन में छोटा भी जेनेटिक चेंज होता है, और ये सारा चेंज किस लेवल पे होना चाहिए, डीएनए लेवल पे, एक्वायर्ड ट्रेट्स में नहीं होना चाहिए सारा चेंज. जैसा हमने बोला था कि बीटल को अगर खाना ना मिले तो वो फिर क्या होता है, खाना मिलने के बाद तो नॉर्मल हो जाता है ना साइज, तो वही मैं कह रही हूँ कि वो एक्वायर्ड ट्रेट्स में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा इनहेरिटेड ट्रेट, यानी जो भी चेंज होगा वो यहाँ पे डीएनए के लेवल पे होना चाहिए. तो जब डीएनए के लेवल पे कोई चेंज आता है तो वहां पर भी क्या होता है, स्पीशिएशन होती है. इट मीन्स जियोग्राफिकल बैरियर भी हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हो गया. एक एग्जाम्पल और समझते हैं जो हमें डार्विन ने खुद ही समझाया था, दैट वॉज फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड. वहां पे हमने बात की थी बर्ड्स की, जिसको हम वो बेसिकली फिंचेस बोलते थे. ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे उनको फिंचेस बोलते थे, FINCHES. ठीक है, तो ये जो फिंचेस हैं, हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट बीक का साइज हो गया, बीक का शेप जो था वो अलग हो जाए, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो अगर एक टाइप का बीक है तो वो कुछ मान लीजिए सिर्फ फ्रूट्स खा रहा है, दूसरे टाइप का जो बीक है वो सिर्फ बीटल्स खा रहा है, तीसरे टाइप का जो बीक है वो जो है वो क्या कर रहा है, वो वुडपेकर है, वो वुड पे जो चीजें हैं उससे रिलेटेड चीजें खा रहा है. तो इट मीन्स कि हर कोई अपना अपना फूड वेरिएशन जो है, फूड जो है उसको चेंज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज निश चेंज. ठीक है, निश चेंज. अगर निश में चेंज होता है उससे भी क्या होता है, धीरे धीरे अडेप्टेशन जो होती है वो एक्यूमुलेट होती हैं, और उसके वजह से भी क्या होता है, इवोल्यूशन या स्पीशिएशन होता है. ठीक है, अब निश चेंज का मतलब एक सिंपल सा मतलब समझ लेते हैं निश का, क्योंकि बहुत जरूरी है. निश का मतलब हो गया कि अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, दैट इज माई हैबिटेट, क्योंकि मैं उस जगह पे रहती हूँ, दैट इज माई हैबिटेट. लेकिन जो क्लासरूम है, क्योंकि मैं अगर आप मुझे पूरे कॉलेज में ढूंढेंगे तो मैं कहाँ पाई जाऊंगी, मैं अपनी क्लासरूम में पाई जाऊंगी, तो मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट की क्लासरूम में मिल रही हूँ, दैट इज माई निश. मैं वहां रह तो रही हूँ उस कॉलेज में, लेकिन वो मेरा हैबिटेट हो गया और वो निश जो है वो मेरा क्लासरूम हो गया. लाइकवाइज अगर निश चेंज हो जाए, अगर फूड का हैबिट ही चेंज हो जाए, या कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला, पूरे गैलापागोस आइलैंड में रहने वाले स्पीशीज जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों, फूड हैबिट की वजह से अपना स्पीशिएशन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी बीक साइज डिफरेंट हो जाती है, तो नेचर उनको फिर सेलेक्ट करता है. क्योंकि अगर आपका बीक साइज अलग है तो आप अलग तरह का खाना खा सकते हो, इसलिए हम आपको स्पीशिएशन में इन्वॉल्व करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हो गए भैया. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ना जीनस एंड देन स्पीशीज. जीनस अलग हो सकता है, जीनस हो सकता है दो दो ऑर्गेनिज्म का जीनस सेम हो और स्पीशीज अलग हो, है ना. हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन जब आप लोगों ने पढ़ा था, क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जब हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो वो जो जीनस है वो सेम हो सकता है दो स्पीशीज का, लेकिन स्पीशीज अलग हो जाएंगी. ठीक है,
तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा इवोल्यूशन का पार्ट है. सो आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं. बट अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनको सॉल्व कर सकूँ. सो प्लीज डू फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर हैंडल ऑल्सो विद द सेम पेज नेम, दैट इज एस पाठशाला. टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.